अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज बारी है सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की। और ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर। और बाकी पास्ट पेपर्स की अगर देखने हैं एमसीक्यूज तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं? ए ओम मीटर, बी मीटर ब्रिज, सी पीओ बॉक्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ओम मीटर, मीटर ब्रिज, पीओ बॉक्स, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी, मीटर ब्रिज भी और ओम मीटर भी। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। नंबर टू, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग। अगर हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करें एम मीटर में तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी लॉजिक है, गैल्वानोमीटर की रेंज बढ़ानी है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर कर सके, तो हम उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं एम मीटर में। और एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए, हमें गैल्वानोमीटर को शंट करना पड़ता है। शंट करने का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ती है पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस अगर गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगाएंगे तो गैल्वानोमीटर शंट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और मेजॉरिटी जो करंट होगा वो गैल्वानोमीटर से पास होने के बजाय गुजरेगा इस शंट रेजिस्टेंस से, और अपने आप जो गैल्वानोमीटर है वो ज्यादा करंट को मेजर कर पाएगा जो कि हम चाहते हैं, और वो बन जाता है एम मीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर थ्री, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय। जो सेंसिटिविटी है गैल्वानोमीटर की उसको किससे जाहिर कर सकते हैं? तो याद रखो, सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर होती है बराबर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय कितना करंट पास हो रहा है। और ये रिलेशन कैसे पता लगता है? ये रिलेशन ऐसे पता लगता है कि आई बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय बी एन ए और थीटा होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और इस फॉर्मूले से अगर मैं रीअरेंज करूँ ना तो आई को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बी एन ए ओवर सी इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय आई। और थीटा डिवाइड बाय आई बेसिकली किसको शो कर रहा है? सेंसिटिविटी को। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बी एन ए ओवर सी होता है, ये आगे पीछे तो खैर लिख सकते हैं। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा सी का, बी ए एन सी के। नंबर फोर, द डिवाइस विच मेक्स यूज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज। वो डिवाइस जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज करती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो याद रखो, व्हीट स्टोन ब्रिज के जरिए हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज नापता है, वोल्ट मीटर भी वोल्टेज नापता है। हाँ, ओम मीटर और मीटर ब्रिज दोनों के दोनों मेजर तो करते हैं रेजिस्टेंस को, बट वो डिवाइस जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज को मेजर करती है, यूज करती है, वो होती है मीटर ब्रिज। ओम मीटर जो है बेसिकली एक सिंपल से सर्किट को फॉलो करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं करता। द कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये कपल पर ट्विस्ट क्या है? कपल पर ट्विस्ट, ये जो सी लिखा हुआ था ना, इसको कपल पर ट्विस्ट कहते हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है, सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रीस्टोरिंग टॉर्क। सम होता है डिफ्लेक्शन और रीस्टोरिंग टॉर्क का, प्रोडक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन पर रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिफ्लेक्शन। तो देखो, जो फॉर्मूला है वो ये होता है, जो हुक्स लॉ हम अप्लाई करते हैं ना, कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन के ऊपर, और फिर टॉर्क बराबर आती है प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो कपल पर ट्विस्ट आता है, यानी कि सी थीटा। तो अगर सी की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आ जाएगा कितना डिफ्लेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये जो है ये रीस्टोरिंग टॉर्क है डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। तो रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिफ्लेक्शन होता है कि स्प्रिंग जो लगा हुआ है गैल्वानोमीटर के अंदर वो कितना सख्त है, ठीक है ना, तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिफ्लेक्शन से पता लग जाता है हमें। नंबर सिक्स, एक मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है डैश बाय यूजिंग अ लो शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बात यह है कि हम अगर हमारे पास एक मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर है, बेसिकली मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर सकते हैं एज अ व्हाट, अगर हम उसके साथ एक लो शंट रेजिस्टेंस जोड़ दें। तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर गैल्वानोमीटर के साथ एक लो शंट रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है तो वो काम करता है एज एम मीटर। देयरफॉर हम जो है सेलेक्ट करेंगे ए एम मीटर। नंबर सेवन, वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन। जो वर्किंग है गैल्वानोमीटर की वो किस पर डिपेंड करती है? फोर्स एग्जर्टेड बाय एग्जर्टेड ऑन कॉइल, टॉर्क ऑन कॉइल,
इंड्यूस्ड ईएमएफ या इनमें से कोई भी नहीं। तो गैल्वानोमीटर की वर्किंग जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारे सिंपल से टॉर्क के फॉर्मूले पर, जो बराबर होता है BIN कॉस अल्फा के। बेसिकली ये टॉर्क पे डिपेंड करती है जो कि कॉइल के ऊपर अप्लाई होती है, ना कि फोर्स पे। नंबर 8, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन, अभी अभी सेंसिटिविटी के बारे में बात की थी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है, ये सब के सब पे करता है। तो याद रखो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे, आप देख सकते हो, करंट पर डिपेंड करता है और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है, जो सेंसिटिविटी होती है यानी कि थीटा डिवाइडेड बाय आई के बराबर। नंबर 9, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अगर एक गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज नापने के लिए जो डिवाइस है वो शर्त ये है कि वो या तो बिल्कुल ही करंट को ड्रॉ नहीं करे या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करे। ऐसा करने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं, इसे RX से शो करता है, और नतीजे में जो पूरा का पूरा सर्किट है ये मेजर करना शुरू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सो अ हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए इन सीरीज, अ हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए इन सीरीज। नंबर 10, द डिवाइस विच कैन मेजर EMF ऑफ सेल विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम देम इज कॉल्ड अप। मीटर ब्रिज EMF को नहीं मेजर करता, ओम मीटर नहीं मेजर करता, वोल्ट मीटर हो गया, पोटेंशियो मीटर हो गया। ऊपर वोल्ट मीटर नजर आ रहा है, वोल्ट मीटर में बड़ी रेजिस्टेंस लगाते हैं बट वोल्ट मीटर में भी एटलीस्ट करंट पास होता है। वाहिद वो डिवाइस जो कि बिना करंट को फ्लो कराए EMF को मेजर करती है या उसके कंपैरिजन को फाइंड करते हैं हम लोग, वो होता है पोटेंशियोमीटर। दैट्स व्हाई मैंने सेलेक्ट किया है ए पोटेंशियोमीटर। 11, AVO मीटर इज यूज्ड टू फाइंड। AVO मीटर बेसिकली क्या है, AVO किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, AVO के जरिए हम क्या क्या मेजर करते हैं। सबसे पहले हम एम्पेयर मेजर करते हैं, ठीक है, फिर हम मेजर करते हैं वोल्टेज को, और फिर हम मेजर करते हैं वोल्ट को समझ लो, और फिर ओम आता है, यानी कि तीनों चीजें मेजर करते हैं हम, करंट भी मेजर करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस भी, करंट रेजिस्टेंस EMF, इट मींस ऑल ऑफ दिस। AVO मीटर या जिसे हम मल्टीमीटर कहते हैं, इसके जरिए हम तीनों चीजों को मेजर कर सकते हैं। नंबर 12, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स विद अ फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉनकेव पोल्स होते हैं, देखो जो गैल्वानोमीटर में इस तरीके से यू शेप मैग्नेट लगा हुआ होता है ना, उसके जनरली पोल आपको ऐसे करके नजर आने चाहिए ना, इस तरीके के आपको पोल नजर आने चाहिए, लेकिन पोल ऐसे होते नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करने के बजाय जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा कॉनकेव होता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, और वो इसी वजह से करते हैं कि दरमियान में जो हमने सिलेंडर लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो, सारी की सारी उसी की तरफ ट्रांसफर हो, ठीक है। बिल्कुल अगर इसको डेप्थ में समझना है तो एक बेहतरीन लेक्चर अपलोडेड है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का, उसको जाके देख सकते हो, रेडियल वाली मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। 13, इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली यूज्ड एज, रियोस्टेट जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको यूज किया जाता है एज पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर की एक कॉमन मिसाल है हमारे घरों में लगे हुए डिमर्स। डिमर जो लगाए जाते हैं ना, जिसे पंखे को तेज या हल्का किया जाता है, वो पोटेंशियल डिवाइडर है, बेसिकली वो रियोस्टेट है, और थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में लैब में आपको डिफरेंट रियोस्टेट मिलेगा, और डिमर जो है ना वो भी एक रियोस्टेट है बट थोड़ी सी डिफरेंट हालत में। नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो कॉइल है इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसको कम करने को डैम्पिंग कहते हैं, क्योंकि डैम्पिंग का मतलब ये होता है वाइब्रेशन को रिड्यूस करवाना, बाकी शंटिंग डोपिंग ड्रिफ्टिंग बेकार वर्ड्स है। नंबर 15, व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ, याद रखिए वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को, जो कि डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे BINA cos अल्फा पे। इट मींस वो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है जब भी किसी कॉइल से करंट पास होता है विच इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। द बेसिक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक मीटर, तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं उनकी जो बेसिक इक्वेशन है वो अभी अभी मैंने आपको लिख के बताई है, बीना कॉस अल्फा टॉर्क के बराबर, ये टॉर्क ही है बेसिकली, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टॉर्क ही है ये। नंबर 17, सिंस आई बराबर होता है सी थीटा डिवाइड बाय बी एन ए, हेंस इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, हमें किस चीज को डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो बराबर होता है थीटा ओवर आई के, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय करंट। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर थीटा डिवाइड बाय आई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज होके ये हो जाएगा बी एन ए ओवर सी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये होता है बी एन ए ओवर सी, और अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो इंक्रीज करना है अगर सेंसिटिविटी और गैल्वानोमीटर, तो डिक्रीज सिर्फ हमें किसको करना पड़ेगा, सी को। जितना सी कम होगा उतना गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा कपल पर ट्विस्ट। स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होता है ना उसका कपल पर ट्विस्ट जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है। ठीक है जी, 18 द शेप ऑफ मैग्नेट इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर टू मेक द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अलग तरीके से पूछने का तरीकेकार है, तो वो होता है कॉनकेव सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है, कॉनकेव मैग्नेट होता है और वो कैसा होता है, मतलब वो कॉनकेव हुए होते हैं जो उसकी शेप होती है, ना बार मैग्नेट होता है ना हॉर्सशू होता है और कॉन्वेक्स भी नहीं होता, ऐसा होता है ना, इस वजह से उसको कॉनकेव का नाम दिया गया। इस तरीके से आपको नजर आएगा सिलेंडर होगा और इस तरीके से फील्ड जो है वो रेडियल नजर आती है। नंबर 19, द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एम मीटर, जो फंक्शन है शंट का एम मीटर के अंदर इज टू, वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है बाईपास द करंट, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ एम मीटर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, नन ऑफ दीज। हम चाहते हैं कि करंट जो है वो बाईपास हो जाए, और जब करंट बाईपास हो जाएगा ज्यादातर शंट रेजिस्टेंस में गुजर जाएगा तो अपने आप जो एम मीटर है वो ज्यादा करंट को मेजर कर पाएगा। नंबर 20, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो दैट, अगेन मैंने आपको बताया वोल्टेज नापने के लिए शर्त यह है कि कम से कम करंट पास हो या ना ही करंट पास हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की ज्यादा इसी वजह से रखी जाती है कि मिनिमम करंट गुजरे, जितना करंट कम गुजरेगा उतना ज्यादा वोल्टेज का आंसर आ पाएगा। 21, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी को बढ़ा दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखो हमें एक लंबा तार इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आगे यूनिफॉर्म वायर ऑफ लार्ज लेंथ शुड बी यूज्ड, यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्मॉल लेंथ शुड बी यूज, थिकनेस ऑफ वायर विल बी इंक्रीज, थिकनेस ऑफ नो, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, जितना लंबा तार होगा उतना बेहतर है। 22, द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो डिफ्लेक्शन है वो किस चीज के डायरेक्टली डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट पासिंग थ्रू कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ये वाला रिलेशन है, अक्सर ड्राइव करने के लिए भी आता है पेपर में। और फाइनली 23, बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेंशियल एट द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वानोमीटर, देखो जो हमारे पास इस तरीके की अरेंजमेंट होती है ना व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, गैल्वानोमीटर इधर हमने लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम ये चाहते हैं गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे जीरो, और डिफ्लेक्शन जीरो शो करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सही है, तभी हम कहते हैं कि बैलेंस्ड पोजीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा कि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो एस्टैब्लिश नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल तो एस्टैब्लिश होता ही है, डिफरेंट भी नहीं ऑल्टर्ड भी नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम। सो दैट इज इट, आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीट आज जो कुछ हमने स्टडी करा है, ठीक है ना, पास पेपर के एमसीक्यूज हैं और वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।